तो एक्चुअली होता है बीच बीच में जो टावर है छोड़ दे रहा है, जिसके वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है पढ़ाने में। अब तुम लोग को भी परेशानी हो रही है, तो अब फिर शुरू करते हैं, देखो कब तक टावर रहता है ना। टावर खत्म हो जाएगा तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि देर है ना। टावर नहीं सर, नेटवर्क। हाँ, टावर की गड़बड़ी से हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी बतला रहे थे A1, विटामिन ए का बतलाया, विटामिन B1 का बतला दिए, फिर विटामिन डी का भी बता दिए। अब ई, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, विटामिन ई, फिर एंटी हेमरेजिक फैक्टर के, एटीसी, अदर फैक्टर, ये सब जो ABCD का है, एंटी करके है जो नाम बतला है, वो ABCD के ये सब है। फिर और भी है बहुत सारे जो बता रहे हैं, अदर फैक्टर्स विच हैव बीन फाउंड एसेंशियल टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर एनिमल्स, बियर सच नेम्स एज साइटोवोरम फैक्टर एसेंशियल टू ग्रोथ ऑफ ल्यूकोनोस्टॉक, साइटोवोरम और टेनेब्रियो फैक्टर एसेंशियल टू ग्रोथ ऑफ द मील वॉर्म। ये जो कुछ नाम है, अभी तो सुनने में दिक्कत हो रहा होगा या समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये सब ABCDE के कुछ डेवलपमेंट का है, कुछ वॉर्म्स का है, कुछ भोजन जो हम लोग करते हैं उसको पचाने का जो पावर आता है वो इन सबों के चलते होता है। तो इस सब का रहना अति आवश्यक है, लेकिन इसमें हम लोग के बॉडी को ग्रोथ, भोजन करेंगे तो ग्रोथ भी होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, माइंड ग्रो करना चाहिए, अगर ग्रो मीन्स डेवलप करना चाहिए कि अधिक से अधिक सोचने, पढ़ने, लिखने, समझने की शक्ति, पावर हमारे ब्रेन में आए। साधना कुमारी अपना म्यूट करें तो। साधना कुमारी, एसेंशियल टू ग्रोथ ऑफ द बी वॉर्म टेनेब्रियो मॉलिटॉर, एंटी हेमरेज फी, ए सब्सटेंस दैट काउंटर एक्ट्स ए हेमरेजिक टेंडेंसी, एंटी न्यूरेटिक वी, एंटी एस्कॉर्बिक बी, एस्कॉर्बिक एसिड परमेबिलिटी वी, एज ए सब्सटेंस नेसेसरी टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल्स। ये बहुत सारे इंटीग्रिटी है जो एंटी है, बहुत सारे आपके बॉडी को, जैसे सनरेज है, डेवलपमेंट है, वॉर्म्स है, आई का है, ये सबको रेसिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए, बचने के लिए, भोजन लगने के लिए बहुत सारा विटामिन है जो डेवलपमेंट के लिए, आपका शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए ये सब विटामिन इसमें पाए जाते हैं। जो अभी कुछ अभी विटामिन ए के बारे में बता रहे हैं, ए हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल, अल्कोहल सी, देखो एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला दे रहे हैं, C20H20OH, एसेंशियल फॉर रिजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन व्हेन ब्लिश्ड बाय लाइट इन द विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल हमारे आंख के दृष्टि को बढ़ाना, देखना, इसके साइकिल को ठीक करना, एंड फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, फॉर न्यू सेल ग्रोथ एंड एड इन मेंटेनिंग रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शंस एंड डिलेइंग स्टेनिलिटी, बढ़ाना, इंटीग्रिटी करना एपिथेलियल सेल्स में, और उसको ग्रो करना, और आपको किसी तरह का रेसिस्टेंस पावर से मजबूत बनाना, किसी इन्फेक्शन से बचाना, विटामिन ए का काम है।
A is formed in the body from various precursors such as the yellow pigments or vegetables and fruits. इसमें दे रहा है कि आपके जो स्किन पिगमेंट्स हैं, वो इसके खाने से आपके स्किन का कलर वो एक तरह से रहता है, सेम कलर रखता है होल बॉडी का. अगर कहीं स्किन में पिगमेंट में कमी आती है तो आपका डिस्कलरेशन ऑफ स्किन करते हैं, तो आपका ध्यान स्किन पर चला जाता है कि मेरा स्किन चेहरा का कहीं ब्लैक है, कहीं व्हाइट है, या डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो रहा है, स्पॉटेड है, जैसे विटिलिगो है, लिकोडर्मा है. तो उसमें क्या होता है, इसमें आप देखते हैं कि कलर चेंज कर रहा है. मैं इसके पहले बताया था कि कुछ लोगों का कलर चेंज होता है, पूरे होल बॉडी का स्किन एक कलर रहता है. अगर दो कलर होता है, तीन कलर होता है, तो हम लोग का ध्यान स्क्रीन पर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, घूमने में मन नहीं लगेगा. हमेशा ध्यान रहेगा कि हमारा स्क्रीन, हम गोरे हैं तो ये और भी ज्यादा गोरा हो गया, हम काले हैं और ये स्पॉट है सर हमारे चेहरे पर या बॉडी में या पीठ पर या किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में, ये स्पॉट जो है डिस्कलर हो गया है, इस कैसे ठीक होगा. तो इसमें ये कह रहा है कि आपको विटामिन ए खाना चाहिए. ये समझ के नहीं कि हमारा स्किन ठीक रहे, ये समझ के कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे. इसलिए हर विटामिन ए, A1, A2, B, B1, B2, B4, B6, ये सब जो है हम लोग बताए थे, B2, B3, B6, B12 लास्ट क्लास में बताए थे. तो इतना जरूरी है आपको खाना. विटामिन सी के बारे में भी बताए थे. विटामिन सी कब डिस्कवर हुआ ये अभी नहीं बता रहे, ये आप पढ़िएगा बुक में. अगर बुक में नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा. अगर नेक्स्ट क्लास होगा तो नेक्स्ट क्लास होगा, फिर अलग अलग टॉपिक चलेगा. अगर ये आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में तब मैं बताऊंगा कि विटामिन सी को किसने किस ईयर में किस सर्कमस्टांस में खोज किया विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए. अच्छा, तो विटामिन सी बतलाए थे, विटामिन डी टू बतलाए थे, विटामिन डी थ्री बतला चुके थे. विटामिन डी का मतलब आपके बॉडी बोन को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, डेवलप करना, जिससे आप अच्छी तरह से दौड़ धूप सकिए, खेल सकिए, चल फिर सकिए, इसमें किसी तरह का तकलीफ नहीं हो. अगर बोन वीक हो जाएगा तो चलने में दिक्कत होता है, दौड़ने में दिक्कत होता है, किसी कोई काम करने में असमर्थ हो जाते हैं. अच्छा, उसके बाद है विटामिन ई, वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ केमिकली रिलेटेड सब्सटेंसेस ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम वीट जर्म वाइल एंड लेटर प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली. विटामिन ई हम लोगों जो अंकुरा हुआ भोजन है उससे प्राप्त होता है, जैसे चना है, मूंग है, गेहूं है, और भी जो है उस जैसे गेहूं है, आप इसको फुला दीजिए, फुला के छोड़ दीजिएगा तो अंकुर जाएगा, अंकुरने से आपको उस तरह का जो विटामिन ई है वो आपके शरीर में मिलेगा, मजबूती देगा, ब्रेन को डेवलप करता है. विच वे आर फाउंड टू इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इन एनिमल्स लीडिंग टू द नेम एंटी स्टरिलिटी विटामिन. ये इसमें भी मदद करता है कि प्रोडक्शन में मदद करता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इन एनिमल्स, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का पावर को बढ़ाता है. उसी तरह से लीडिंग टू नेम एंटी स्टरिलिटी विटामिन, इसकी कमी से लोग स्टरिलिटी इम्पोटेंसी में आ जाते हैं. बहुत सारे जानवर में भी देखिएगा कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए.
इसलिए वो लोग को भी कुछ भोजन में, देखते हो भोजन में हरा घास दिया जाता है, चोकर दिया जाता है, तो कोई को फल भी दे देता है या कहीं से फल लेके खा लेती है, तो ये फुलफिल करता है बॉडी। विटामिन एफ, ए टर्म फॉर्मली अप्लाइड टू वेरियस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, लेनोलिक एसिड, लेनोलिक लेनिक एसिड एंड आर्चिडोनिक एसिड एसेंशियल टू द स्टोरेज ऑफ फैट इन द बॉडी। विटामिन एफ आपके लेनोलेटिक एसिड, लेनोलेनिक एसिड एंड आर्चियोडोनिक एसिड, ये सब एसेंशियल है आपके स्टोरेज, फैट को बॉडी में स्टोर करता है। बहुत सारा चीज जैसे विटामिन सी है उसको निकालता है, ये स्टोर करता है, बैलेंस होता है। जो वेस्टेड चीज है उसको निकाल दिया जाता है, जो जरूरत का चीज है, बॉडी के फायदे की चीज है, उसको वो रख लेता है। तो आपको इसमें आप बॉडी के अंदर जो चला गया आप उसको आइसोलेट कैसे कीजिएगा, एलिमिनेट कैसे कीजिएगा, छांट तो सकते नहीं है। जितना भोजन मिला, वैरायटीज ऑफ अच्छा टेस्ट है, खाते चले गए, तो खाते वक्त तो पता थोड़े ध्यान देता है कि हमको भूख लगी है तो हम ये चीज नहीं खाए, वो चीज नहीं खाए, सब लोग खा लेता। अच्छा भोजन मिलता है तो दो कौर ज्यादा खा लेते हैं, थोड़ा सा पेट टाइट हो जाता है, बाद में कहते हैं बहुत ज्यादा खा लिए, बहुत अच्छा भोजन था, अब अस्वस्थ अस्वस्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो, उसके लिए भी है स्टोरेज ऑफ फैट इन द बॉडी। अच्छा, नेक्स्ट है विटामिन जी, एक विटामिन जी है रिबोफ्लेविन, यह रिबोफ्लेविन है। फिर कुछ नाम है ऐसा ऐसा जो अभी आप लोग याद करना होगा, इसमें क्या क्या चीज है, रिबोफ्लेविन में क्या है। रिबोफ्लेविन में है B2 पढ़िएगा तो उसमें आपको रिबोफ्लेविन है, इसका अलग अलग है जिसको बताएंगे। फिर विटामिन एच, बायोटीन। फिर विटामिन के है फैक्टर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड इन ग्रीन लीव्स, विटामिन के में ग्रीन लीव्स आता है, विच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड इन द नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के में हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन लीव्स खाते हैं, बहुत तरह का साग सब्जी है जिसके खाने से हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। इसके अलावा जो कभी कट गया, छट गया, ब्लड का डिस्चार्ज होने लगा तो वो क्लॉट करने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि कट गया तो बह रहा है, बह रहा है, कैसे रोका जाए, उसमें थोड़ा देर में देखिएगा कभी गलती से कट जाता है तो थोड़ी देर में रोकने पर वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। ये भी जरूरी है कि ब्लड क्लॉट करे, ब्लड नहीं क्लॉट करेगा, नहीं रुकेगा, तो ब्लड हमेशा डिस्चार्ज होता रहेगा बॉडी से, तो क्या होगा, ज्यादा खून गिरने से फिर अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और सारे का डेथ हो जाता है कि ब्लड नहीं है, इसलिए उसको रोकना जरूरी है। फिर है विटामिन के वन, फाइटोनायडाइन, विटामिन के वन फाइटोनायडाइन, और विटामिन के थ्री मेनाडायन। विटामिन के वन, विटामिन के थ्री, और उसके बाद है विटामिन एम, एम में है फॉलिक एसिड, विटामिन एम फॉलिक एसिड, और लास्ट है विटामिन पी, जिसका मैंने आप लोग को क्लास में जिक्र किया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा, विटामिन पी जो आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा, पी का नाम नहीं सुने थे तो ये भी सुन लीजिए, विटामिन पी जो साइट्रीन है, CITRIN, इसके वजह से विटामिन पी है,
लेकिन एक और बतलाए थे विटामिन विटामिन बी 19, मैं सुना था टीवी में, न्यूज में सुना था मैं कि विटामिन 19 से कैंसर का उसका इलाज हुआ था, तो कई वर्ष पहले मैं सुना था, उसका डिटेल कभी आया नहीं, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ विटामिन बी तक है जो साइट्रिन है, और इसमें विटामिन B1 है थायमिन, विटामिन B12 रिबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटिनेमाइड, विटामिन 6 पाइरोडॉक्सिन, विटामिन B12 ए वाटर सोलबल हेमाटोक्वाइटिक विटामिन, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, यही सब है। जो विटामिन पी साइट्रिन है, तो ये आपका विटामिन चैप्टर अब खत्म हो गया। विटामिन हम लोग को शॉर्ट में हम आपको बता दिए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे और भी चीज है। तो विटामिन सी का कब डिस्कवर हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, किस साल हुआ, ये सब भी बताना होगा। अभी आपको बीच बीच में क्योंकि होता है लाइन खराब हो गया, वाईफाई खत्म हो जाता है, लिंक डिसकनेक्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा।